हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ये यूट्यूब पर आपको पब्लिकली फ्री में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कंटेंट है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। देखिए, अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपको पहले आने चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं उतरना चाहिए। तो एडजस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट की जब बात आती है तो हम क्या समझते हैं कि कोई भी स्ट्रेटजी है उसके एडजस्टमेंट अलग होते हैं। जैसे आयरन फ्लाई है उसका एडजस्टमेंट अलग होगा, स्ट्रेंगल है उसका अलग होगा, या स्ट्रेडल है उसका अलग होगा। तो बिल्कुल एडजस्टमेंट है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज के अलग अलग होते हैं, लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, ये देखने का तरीका है ये सही नहीं है कि इस स्ट्रेटजी का एडजस्टमेंट वो बिल्कुल अलग होगा, ये कहीं और यूज नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा या किसी भी स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हो, और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स को देखने का आपका नजरिया बदलेगा। अभी तक आपका जो पर्सपेक्टिव है एडजस्टमेंट्स को लेके वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल बदल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ रेफरेंस ट्रेड्स की। रेफरेंस ट्रेड्स हैं ये क्या होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली एक एडजस्टमेंट की टेक्निक होती है, जो आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो अगर मार्केट आपके ओरिजिनल ट्रेड के अगेंस्ट जाता है वहां पे आप किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो, वहां पे रेफरेंस ट्रेड्स किस तरह से यूज हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं इसको टू द पॉइंट रखूंगा ताकि आप समझ पाओ जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि रेफरेंस ट्रेड्स क्या होते हैं, आप इनको किस तरह से यूज कर सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल से हमारा जो ऑप्शन लर्निंग प्रोग्राम है उसका फर्स्ट बैच शुरू हो रहा है, जो कि आयरन फ्लाई के ऊपर होने वाला है। इसमें एक 5 घंटे की लाइव वर्कशॉप होगी, उसके बाद 1 मंथ की लाइव ट्रेडिंग होगी, और एट द एंड ऑफ मंथ एक 1-on-1 सेशन होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, कि पूरे महीने में आपने जो सीखा उसमें अगर आपकी कोई डाउट थी, कोई क्वेरी थी, वो आपको बताई जाएगी। तो ये 1 मंथ का लर्निंग प्रोग्राम है जो कल से शुरू होगा, और फर्स्ट बैच है ये आयरन फ्लाई के ऊपर है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, अब आज के टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं रेफरेंस ट्रेड्स की। तो देखिए, रेफरेंस ट्रेड्स बेसिकली होते क्या है उसका मैं एक आइडिया आपको दे देता हूं। रेफरेंस ट्रेड क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हो, आप कोई भी ट्रेड मार्केट में लेते हो। अब वो जो ट्रेड आपने ले लिया है, अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज में रहता है तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के बाहर जाता है तो आपको लॉस होगा। तो जब मार्केट आपके लॉस मेकिंग जोन में जाना शुरू करे वहां पे आपको रेफरेंस ट्रेड लेना है। अब ये जो रेफरेंस ट्रेड आप लेते हो इसका सेटअप इस तरह से किया जाता है कि जब मार्केट आपको रेफरेंस ट्रेड में लॉस दे उससे पहले जो आपका ओरिजिनल ट्रेड है उसमें आपको मार्केट प्रॉफिट देगा। मतलब जो आपने ट्रेड लिया था जिसमें अब आपको लॉस होना शुरू हो गया है, तब आपने एक रेफरेंस ट्रेड लिया, और रेफरेंस ट्रेड का सेटअप इस तरह से आपने किया है कि अगर रेफरेंस ट्रेड में आपको लॉस होगा या तो आपको रेफरेंस ट्रेड में प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर यहां पे आपको लॉस होता है तो आपका जो ओरिजिनल ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली रेफरेंस ट्रेड, और इस पर आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। देखिए, मैं सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात अगर मैं आपको बताऊं तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। तो ये चीज मैं आज आपको बता रहा हूं, तो इसको आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ देखिए, ये आपके एडजस्टमेंट्स पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए, अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे समझाता हूं कि रेफरेंस ट्रेड आपको किस तरह से यूज करने हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं, और यहां पे अब मैं आपको रेफरेंस ट्रेड्स का बताता हूं कि रेफरेंस ट्रेड बेसिकली होता क्या है, उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेफरेंस ट्रेड है ये ओरिजिनल ट्रेड के अगेंस्ट हम लेते हैं, जो ओरिजिनल ट्रेड हमने लिया है अगर वो लॉस में जाना शुरू हो जाए तब हम रेफरेंस ट्रेड को लेते हैं। तो देखिए, आपको कैसे करना है। अभी मार्च की सीरीज चल रही है तो मैं अप्रैल की सीरीज लगा लेता हूं, क्योंकि ये सीरीज ऑलमोस्ट जा चुकी है। तो ऑप्शन चेन में ओपन करता हूं, और मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,000 पे। 17,000 है ये एट द मनी का लेवल है, तो मैं क्या करूंगा, इससे लेट से मेरा व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो मैं 17,200 के लेवल पे एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करता हूं। तो 17,200 पे मैं आ गया, और यहां पे मैं क्या करूंगा, एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूं। आयरन फ्लाई को मैं यहां पे ट्रेड कर रहा हूं, एक पुट ऑप्शन को मैंने सेल कर दिया 17,200 के, और यहां से अब मैं नीचे जाऊंगा और 300 पॉइंट नीचे जाके और 16,900 का जो पुट ऑप्शन है उसको मैं बाय कर लूंगा, और 17,200 से 300 पॉइंट ऊपर जाके और 17,500 का जो कॉल ऑप्शन है इसको मैं बाय कर लूंगा। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ये मेरी आयरन फ्लाई है, इसमें अब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 2,500 रुपीज का,
ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। अब क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस वजह से मैंने आउट द मनी में जाके और वहां पे एक आयरन फ्लाई को ट्रेड किया है। तो अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर और नीचे मुझे लॉस होगा, और मेरा लॉस कितना है 2500 रुपीज का। अब यहाँ पे रेफरेंस ट्रेड आपको कब लेना है, तो देखिए अगर मार्केट मेरी प्रॉफिटेबल रेंज में रहेगा तब तो मुझे वैसे ही प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, मेरा व्यू है वो गलत हो जाता है, मार्केट मान लीजिए नीचे जाना शुरू करता है, तो मुझे रेफरेंस ट्रेड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए आपका ब्रेक इवन क्या है, आपका ब्रेक इवन है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ है 17450 और नीचे की तरफ है 16950, ये आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है। तो अब ऊपर का जो आपका ब्रेक इवन है उसको आप देखिए, 17450 है ये ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन है। लेट से मार्केट यहां से नीचे जाना शुरू कर देता है, अगर मार्केट ऊपर आता तो आपके प्रॉफिटेबल रेंज में आता, लेकिन आपका व्यू गलत हो गया है और मार्केट नीचे जाना शुरू कर देता है। तो यहां पे अब आप रेफरेंस ट्रेड ले सकते हो। अब रेफरेंस ट्रेड किस तरह से लेना है, मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस ट्रेड का सेटअप इस तरह का होना चाहिए कि या तो आपको रेफरेंस ट्रेड में प्रॉफिट होगा, और रेफरेंस ट्रेड में अगर आपको लॉस आना शुरू हो उससे पहले जो आपका ओरिजिनल ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। इस तरह से आपके रेफरेंस ट्रेड का सेटअप होना चाहिए। हो सकता है आप जाने अनजाने ये ट्रेड लेते भी हो रेफरेंस ट्रेड, लेकिन आपको टर्म का पता नहीं होगा, लेकिन आज आपको उसका भी पता लग जाएगा। तो रेफरेंस ट्रेड यहाँ पे मैं क्या लूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं वीकलीज में जाके और यहाँ के इस लेवल का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। अब देखिए हम यही मान के चल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाना शुरू कर देगा तो मुझे यहाँ पे लॉस होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं वीकलीज में जाऊंगा, जो ट्रेड है ये मेरा मंथलीज में है, लेकिन मैं वीकलीज में जाऊंगा और इस लेवल पे जहां पे लॉस आना शुरू हो, जो ऊपर का ब्रेक इवन है, उसके आसपास में जाके और उस स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा वीकली में। अब वीकली में मैं सेल करूंगा तो क्या होगा, वीकली में है वो डिके फास्ट होता है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अभी 29th मार्च तो आ चुका है, लेट से मैं 6th अप्रैल में जाता हूं, तो 6 अप्रैल की सीरीज को मैंने ओपन कर लिया है, और यहां पे अगर मैं ऊपर की तरफ आऊं और 17400 जो कि मेरा अपर ब्रेक इवन है 17450, लेकिन मैं राउंड फिगर लेके 17400 लेता हूं, अगर मैं 17400 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं वीकली में तो मुझे 32 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, तो इसका एक लोट में सेल कर देता हूं। अब देखिए इसको सेल करके मैंने 32 रुपीज कलेक्ट कर लिए हैं। 32 रुपीज का मतलब क्या हो गया, मैंने ऑलमोस्ट 1500 रुपीज कलेक्ट कर लिए हैं। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना था उस ट्रेड में, जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड है जो आयरन फ्लाई मेरी है, उसमें मैक्सिमम लॉस मेरा 2500 रुपीज का है, और यहाँ पे मैंने 1500 रुपीज मार्केट से कलेक्ट कर लिए हैं। अब मेरा मैक्सिमम लॉस है सिर्फ वो 1000 रुपीज का रह जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये इफेक्ट आता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड था लेकिन ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन था वो 17450 के आसपास था, तो मैंने क्या किया, मंथलीज में आपको नहीं जाना, जो आपकी सीरीज है जिसमें आपका ओरिजिनल ट्रेड है उसमें आपको नहीं जाना है, आप वीकली सीरीज में जाइए और ऊपर की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है, जिस तरफ मार्केट आपको चैलेंज कर रहा है उसके अपोजिट साइड आप जाइए और वीकली के ऑप्शन को आप सेल कर दीजिए। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, मैं वीकली सीरीज में गया और 17400 के एक कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब इससे इफेक्ट क्या आएगा, अब आप देखिए जब मैंने 17400 के कॉल ऑप्शन को सेल किया, अब आप इस पूरे ट्रेड को भूल जाइए, सिर्फ 17400 के पे ऑफ चार्ट को देखिए, 17400 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, इसका मतलब क्या हो गया, जब हम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो मार्केट अगर नीचे रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो 17400 का जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है इसमें मुझे लॉस आना कब शुरू होगा, जब मार्केट 17432 से ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस आना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि 17400 के स्ट्राइक को मैंने सेल किया है और 32 रुपीज मैंने क्रेडिट रिसीव किया है, इस वजह से जो मेरा लॉस है वो तब आना शुरू होगा जब मार्केट 17432 के बियॉन्ड ऊपर जाएगा। तो अगर मार्केट 17432 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तो मुझे लॉस आएगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा ये आप देखिए, मार्केट नीचे जा रहा था, लॉस मेकिंग जोन में मेरे जा रहा था, इस वजह से ये एडजस्टमेंट मैंने किया। अब मार्केट रिवर्स होके जब ऊपर आएगा वही एक केस है जब 17432 का लेवल है वो टूट सकता है। तो 17400 जो रेफरेंस ट्रेड मैंने लिया है इसमें लॉस आने से पहले जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट उसकी प्रॉफिटेबल रेंज में आएगा। तो रेफरेंस ट्रेड है ये इस तरह से काम करते हैं कि रेफरेंस ट्रेड है या तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा, और अगर वहां पे आपको लॉस आना शुरू होगा उससे पहले जो आपका ओरिजिनल ट्रेड है उसमें आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो या तो आपको ओरिजिनल ट्रेड में प्रॉफिट होगा, और लेट से मार्केट और नीचे चला जाता है या मार्केट जहां पे है नीचे की तरफ वहीं पे रहता है तो आप क्या कर सकते हो। तो देखिए कैच यहां पे ये है कि ये जो आपका ट्रेड है ओरिजिनल ये अप्रैल की सीरीज में है, लेकिन जो आपने रेफरेंस ट्रेड लिया है ये वीकली सीरीज में लिया है। तो क्योंकि आपने वीकली सीरीज का ऑप्शन सेल किया है तो यहाँ पे डिके है वो फास्ट होगा, जो आपका प्रीमियम है वो तेजी से मेल्ट होगा।
तो जो वीकली सीरीज है इसमें 32 रुपीज आपने रिसीव किए हैं। अगर मार्केट मूव नहीं करता है तेजी से ऊपर की तरफ तो ये जो आपका प्रीमियम है ये जीरो की तरफ चलना शुरू कर देगा और काफी तेजी से जाएगा। तो ये जो डिके होगा ये आपका प्रॉफिट है। तो या तो मार्केट आपके ओरिजिनल ट्रेड की प्रॉफिटेबल रेंज में आए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो 32 रुपीज आपने रिसीव किए हैं ये आपका प्रॉफिट होगा। अब लेट से मार्केट ऊपर नहीं आता है, मार्केट नीचे चला जाता है, तो ये 32 रुपीज है ये आपका प्रॉफिट हो गया। आपने 1500 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे पॉकेट में डाल लिया है, और आपके ओरिजिनल ट्रेड में कितना मैक्सिमम लॉस था आपका 2500 रुपीज का। अब उस 2500 में से आपने 1500 रुपीज ऑलरेडी मार्केट से ले लिए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अगले वीक का एक और रेफरेंस ट्रेड आप सेल कर सकते हो। याद रखिए रेफरेंस ट्रेड आपको वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। तो अगले वीक का एक और आप ऑप्शन सेल कर दीजिए, वहां पे अगर आप 1000 रुपीज रिसीव करते हो तो अब आपका ओरिजिनल ट्रेड है बिल्कुल लॉस फ्री हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम लॉस आपका 2500 रुपीज का था और 2500 रुपीज आप रेफरेंस ट्रेड से कलेक्ट कर चुके हो। तो इस वजह से आपका ट्रेड है जो ओरिजिनल ट्रेड है वो लॉस फ्री बन जाएगा। तो रेफरेंस ट्रेड है ये इस तरह से आपको ट्रेड करने चाहिए कि उसका सेटअप इस तरह से हो कि या तो आपका ओरिजिनल ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो, और अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो रेफरेंस ट्रेड है वो आपके ओरिजिनल ट्रेड का जो मैक्सिमम लॉस है उसको कम करे। तो चलिए इस तरह से आप रेफरेंस ट्रेड को यूज कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ आयरन फ्लाई का एग्जांपल लेके बताया है, बाकी रेफरेंस ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इसी स्ट्रेटजी में यूज हो सकता है। रेफरेंस ट्रेड है ये यूनिवर्सल है, ये आप किसी भी स्ट्रेटजी में इसको ट्रेड कर सकते हो। बस इसका सेटअप इस तरह का होना चाहिए कि आपका ओरिजिनल ट्रेड है या तो वो प्रॉफिटेबल हो, और अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो रेफरेंस ट्रेड है उसमें आपका जो ओरिजिनल ट्रेड का लॉस है वो कम हो। मतलब इसका सेटअप इस तरह से होता है कि या तो आपका रेफरेंस ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होगा, और अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है वहां पे लॉस आता है तो रेफरेंस ट्रेड में लॉस आने से पहले जो आपका ओरिजिनल ट्रेड है उसको मार्केट को प्रॉफिटेबल करना पड़ेगा। तो रेफरेंस ट्रेड है ये बहुत अच्छी टेक्निक है आपके ओरिजिनल ट्रेड में जो लॉस है उसको कम करने के लिए। तो ये चीज है, ये आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आप जाके देख सकते हो। इस चीज को आप मास्टर कीजिए, आप सिर्फ इसी व्यू के साथ मत बैठे रहिए कि कोई भी स्ट्रेटजी है उसके एडजस्टमेंट अलग है, सिर्फ वही एडजस्टमेंट हम वहां पे कर सकते हैं। आप इस तरह से रेफरेंस ट्रेड को और यूज कीजिए। जो एडजस्टमेंट हम सीखते हैं, जैसे वर्कशॉप में कंडक्ट करता हूं उसमें जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूं, वो एडजस्टमेंट मान लीजिए आप करते हो और आप अपने लॉस को कम करते जाते हो, लेकिन उसके एडिशन में आप इस तरह के ट्रेड भी ले सकते हो जहां पे आपका मैक्सिमम लॉस है उस ट्रेड में वो कम कर दे आपका रेफरेंस ट्रेड। तो आपके एडजस्टमेंट है वो तो आपके लॉस को मिटिगेट कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप ऊपर से रेफरेंस ट्रेड और ऐड करना शुरू कर देते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल से आयरन फ्लाई का बैच शुरू हो रहा है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।